तो बेसिकली आप पीछे देख रहे हैं, दिस इज द लैंड पार्सल ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल 37D, लेकिन इसमें कैच है, लैंड पार्सल दो हैं, है ना, वो बताएंगे हम लोग अभी। हाँ, जो मैंने USP बताई, पहली USP बताई थी द्वारका एक्सप्रेस पे, दूसरी USP बताई थी मैंने कि एयरपोर्ट, तीसरी USP इसका रेट, क्योंकि जिस रेट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है ना, वो बहुत अलग चीज़ है। लोग इस वक्त इस प्रोजेक्ट को बस बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल सिटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सारी बता रहे हैं। मैं आपको सीधी सीधी जो बात है भाई, वो इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी। तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग बनाने का ये USP नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि भाई वेटलैंड है, आप नीचे अगर आपने पार्किंग कर दी तो फिर सीपेज लीकेज की दिक्कत आएगी। अब आप लोग ये सोचेंगे भाई अगर ये वेटलैंड है तो भाई आप इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो अब मैं तभी काम करता हूँ जब अंदर मेरी पकड़ मजबूत होती है। तो सिग्नेचर ग्लोबल में पकड़ मजबूत है भाई, आप परेशान मत होइएगा। आपका आपने अगर चेक दिया है तो आपका अलॉटमेंट होगा, जिस प्राइस पे हमने कमिट करा है वो प्राइस आपको दिलवाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि कनेक्ट अंदर स्ट्रांग है और ऐसे लोग सिग्नेचर ग्लोबल मेरे जान पहचान के हैं जो मुझे 8-10 साल से जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कफन कार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज ये वीडियो मैं प्लान कर रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन आज मुझे वक्त मिल पाया है। आवाज़ें आपको थोड़ी सी इस वक्त आएंगी ज़्यादा, क्योंकि क्यों आवाज़ें आएंगी वो आप देख लीजिए कि हम लोग खड़े कहाँ पे। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली की तरफ जा रहा है और ये इधर NH8 की तरफ जा रहा है। और आज का वीडियो है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सिग्नेचर ग्लोबल का 37D का जो हाई राइज है, मतलब आजकल ऐसा है कि इस टॉपिक के अलावा आजकल रियल एस्टेट में कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो मतलब इतना बज़ है मार्केट में इसका। ऑब्वियसली सिग्नेचर ग्लोबल का IPO आने के बाद ये पहला लॉन्च है, और IPO आने की वजह से जो पहला, मतलब पहले भी सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर लोग बहुत ट्रस्ट करते थे, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर, उनके CRM के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन IPO आने के बाद, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के बाद, ये ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद में इन्होंने ये हाई राइज लॉन्च करा 37D में। तो बेसिकली आप पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ द लैंड पार्सल ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल 37D, लेकिन इसमें कैच है, लैंड पार्सल दो हैं, है ना, वो बताएंगे हम लोग अभी। लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी USP जो है वो मैंने आपको ये बताई कि भाई ये द्वारका एक्सप्रेसवे। दूसरी USP थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, वो जूम करके थोड़ा देखिए, एयरपोर्ट इज़ जस्ट 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, आप सामने देख रहे होंगे, ये इसकी बहुत बड़ी USP है। क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप अपना घर ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं, वो पहली बात द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे पॉइंट पे है कि सिर्फ 14 किलोमीटर पे यहाँ पे एयरपोर्ट है, और वो 14 किलोमीटर भी, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं खुद द्वारका एक्सप्रेस में रहता हूँ, तो अगर मुझे इस जगह से अगर सेक्टर 113 तक जाना है, जहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड, M3M कैपिटल, M3M क्राउन ये सारा है, तो मुझे लगभग 10 मिनट लगते हैं पहुँचने में, कार से नॉर्मल स्पीड में 10 मिनट लगते हैं। तो बेसिकली ये 14 किलोमीटर आपको एयरपोर्ट के टनल के अंदर जाने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास लगेंगे, 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15-17 मिनट के आसपास लगेंगे। तो ये सारी USPs हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को जो बात करनी है, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो लैंड पार्सल है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये इनका आइकॉनिक टावर आएगा, जो अभी ये लॉन्च नहीं कर रहे हैं, लॉन्च किया है तो प्री लॉन्च में है सारी चीज़ें अभी, क्योंकि रेरा इज़ अप्लाइड, किसी भी वक्त रेरा आ सकता है, जिस दिन भी रेरा आ गया उस दिन लॉन्च हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये लैंड पार्सल है जहाँ पे सिर्फ 164 यूनिट्स आएंगी और आइकॉनिक टावर होगा, थोड़ा सा ऊबर लग्जरी कह सकते हैं आप, वो चीज़ आएगी। और जो अभी हम लोग लैंड पार्सल अंदर चल के देखेंगे, जिसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं, वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ से इसका एंट्री होगी। अभी मतलब मैं जाऊँगा अंदर, यहाँ से मेरी कार अंदर खड़ी हुई है, यहीं से अंदर जाऊँगा, लेकिन मेन एंट्री इसकी यहाँ से नहीं है, मेन एंट्री वहाँ से है, और उसके 200 मीटर अंदर पे लैंड पार्सल शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ऐसे मुझे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत डिफरेंस है दोनों प्रोजेक्ट्स में, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें तो DLF, ये गोल्फ कोर्स रोड है मान लीजिए, तो ये DLF कैमेलियाज है, बिल्कुल बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड, और जो अंदर जहाँ लैंड पार्सल हम लोग जाएंगे, जो अभी लॉन्च हो रहा है, दैट इज़ DLF क्रेस्ट। तो क्रेस्ट जो है, जैसे आपने देखा होगा कि 200-300 मीटर अंदर जाके है, वैसे ही ये लगभग 200 मीटर अंदर जाके है, लेकिन हाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही है, आप द्वारका एक्सप्रेसवे कह सकते हैं उसको, क्योंकि जो बिल्डिंग्स खड़ी होंगी उस पर ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स की, तो ऑब्वियसली ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे से लोग निकलेंगे वहीं से दिखेगी सारी चीज़। तो अब इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, एक तो मिथ्स हैं बहुत सारे कि रेट्स को लेके क्या रेट आ रहा है। हाँ, जो मैंने USP बताई, पहली USP बताई थी द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरी USP बताई थी मैंने कि एयरपोर्ट, तीसरी USP इसका रेट, क्योंकि जिस रेट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है ना, वो बहुत अलग चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी चलते हैं अंदर, आपने ये सब चीज़ें देख ली, अंदर चल के लैंड पार्सल पे इनका क्या क्या सीन है, क्या क्या बन रहा है, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसमें ले सकते हैं, क्या टाइपोलॉजीज़ हैं, सारी बातें करेंगे। तो अब चलते हैं अंदर, ठीक है, लेट्स गो।
हाँ जी, तो ये अब हम लोग आ गए हैं 200 मीटर अंदर, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो जो एंट्री की मैं बात कर रहा था वो देखिए एंट्री ये है, यहाँ से सीधे आप चले जाएंगे सामने द्वारका एक्सप्रेसवे ही है, तो वो एंट्री द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रही है, यहाँ से आपको मेन एंट्री करनी है। तो लैंड पार्सल ये है, एक लैंड पार्सल ये है इनका, ये बीच में रेवेन्यू रोड है, और एक लैंड पार्सल ये है। तो इसमें देखिए मैं लोग इस वक्त इस प्रोजेक्ट को बस बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल सिटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सारी बता रहे हैं। मैं आपको सीधी सीधी जो बात है भाई वो इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी। जो एक्चुअली है वो चीज़ मैं बता दूंगा। रेवेन्यू रोड है, मैंने शुरू में ही बता दिया कि देखिए रेवेन्यू रोड है। लैंड पार्सल दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। टोटल लैंड पार्सल है 20 एकड़ का, जिसमें से 16.5 एकड़ जो है वो रेजिडेंशियल होगा और लगभग 3.5 एकड़ कॉमर्शियल होगा। कॉमर्शियल भी ऐसा कि छोटी छोटी दुकानें नहीं रहेंगी उसमें, आप 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट के एंकर यूनिट्स आएंगी, ऐसे ऐसे ब्रांड जैसे जूडियो हो गया, पेंटलून्स टाइप के, उस तरह की चीज़ें लाने का प्लान है सिग्नेचर ग्लोबल का, ताकि सारी आपकी डेली नीड्स और जो भी चीज़ें, फ्रेश मार्ट हो गया तो वो वाली चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाए। तो लैंड पार्सल बताया मैंने, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक चीज़ अच्छी है कि दो पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन दोनों पार्ट के अलग अलग क्लब हाउसेज हैं, 40-40 हज़ार स्क्वायर फीट के। एक 40 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इस तरफ होगा, एक 40 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इस तरफ होगा। मुझे ये चीज़ क्यों अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उसमें ये सीन रहा है कि भाई लैंड पार्सल है आपका पूरा एक तरफ, फिर बीच में बहुत चौड़ी सी रोड जा रही है जिसपे लोग 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं, उसको क्रॉस करके क्लब हाउस है, तो ये कोई सेंस नहीं लगता है मुझे। यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, अगर आपका चार टावर इस तरफ आने हैं, चार टावर इस तरफ आने हैं। तो अभी जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ टेंटेटिव डिटेल्स हैं, लेकिन पुख्तगी है उसमें, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर सी बात तभी आप हमारा चैनल देखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा पुख्ता तरह से बताते हैं चीज़ें। तो चार टावर जो इस तरफ आएंगे वो प्लान इस तरह से करा जा रहा है, लोगों को वास्तु के हिसाब से ऐसा कुछ लोग देखते हैं, सबका वास्तु का नॉलेज होती है, ज्ञान जो होता है वो अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ लोग साउथ फेसिंग बालकनी मांगते हैं, कुछ लोग ईस्ट फेसिंग एंट्री या एग्जिट मांगते हैं। तो चार जो टावर होंगे वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग होंगे, और चार टावर जो होंगे वो नॉर्थ साउथ फेसिंग होंगे, इस तरह से बनाया गया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चाहते हैं, तो किसी भी तरह से आप चाहते हो आपके मतलब की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो लैंड पार्सल की बात हो गई, यूनिट्स कितनी आ रही हैं, यूनिट्स आ रही हैं लगभग 1000। तो अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो समवेयर अराउंड 60 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आएगी, विच इज़ अ लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल 37D में। 37D में सिग्नेचर ग्लोबल का समझ लीजिए बहुत, वो कहते हैं ना हम लोग की यूपी वाली लैंग्वेज में, बहुत भौकाल है। तो आसपास जितना भी आपको डेवलपमेंट दिखेगा, चाहे वो अफोर्डेबल हो चाहे वो लो राइज हो, पूरा सिग्नेचर ग्लोबल का ही है मैक्सिमम। तो कनेक्टिविटी का अगर बात करें हम लोग, तो सामने मैंने द्वारका एक्सप्रेस दिखा दिया, यहाँ से एक रोड आगे चल के जब खुलेगा ये, तो ये भी आपको लो राइज दिख रहे होंगे सिग्नेचर ग्लोबल के। यहाँ से आप राइट लेंगे तो आपको पटौदी रोड कनेक्ट हो जाएगी, और इधर पीछे ही हीरो होंडा चौक है। तो आप ओल्ड गुड़गांव से भी कनेक्टेड हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड हैं, पटौदी रोड से भी कनेक्टेड हैं। तो ये लैंड पार्सल की एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात आई है लैंड पार्सल की, तो एक बुरी बात भी बताते हैं हम आपको। बुरी क्या बात है, अब ये है कि बहुत सिंपल से सीधी सीधी बात ये समझिए कि ये वेटलैंड है ना। तो वेटलैंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वाटर टेबल थोड़ी सी ऊपर है, इस वजह से ही यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल लोग इसको USP बता के बेच रहे हैं कि भाई ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे जो होगा वो होगा इनका पार्किंग, उसके बाद फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे इनका ट्रिपल हाइट लॉबी होगी, उसके बाद से फ्लैट शुरू होंगे। तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग बनाने का ये USP नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि भाई वेटलैंड है, आप नीचे अगर आपने पार्किंग कर दी तो फिर सीपेज लीकेज की दिक्कत आएगी। अब आप लोग ये सोचेंगे भाई अगर ये वेटलैंड है तो भाई आप इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप तो अच्छे प्रोजेक्ट्स का ही वीडियो बनाते हैं जो लेने लायक प्रोजेक्ट हैं। वो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये सिग्नेचर ग्लोबल बना रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल मतलब ऐसा देखिए, हम लोग का कंस्ट्रक्शन की भी नॉलेज हम लोग का है, हम लोग कंस्ट्रक्शन का भी बैकग्राउंड, तो हम लोग को पता है कि जब एक वेटलैंड होता है, ये सिर्फ वेटलैंड नहीं, 37D खाली वेटलैंड नहीं, 102 सेक्टर, 103 सेक्टर, 100 सेक्टर जो है, 99A है, सारा वेटलैंड है, और 102 सेक्टर में और ये सारी जगह पे आपने देखा हुआ चीज़ें बनी हुई हैं। करना ये पड़ता है कंस्ट्रक्शन वाइज। सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट मैं आपको लेने को इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल का IPO आ चुका है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लोग भरोसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। तो वेटलैंड के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन करने का तरीका होता है, वो तरीका अपनाएगा, जो मेरी सिग्नेचर ग्लोबल से बात हुई है और जो हम लोग बहुत डीप कन्वर्सेशन हुई उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, आश्वासन दिया कि भाई हम उस तरीके से बनाएंगे कि भाई वेटलैंड की वजह से प्रॉब्लम ना आए। तो जाहिर सी बात है इस जगह पे और बहुत सारे नए लॉन्चेस हो रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा रिलाय करूँगा सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर कि इस लेवल पे आके
इस लेवल पर था सिग्नेचर ग्लोबल, अब आईपीओ होने के बाद इस लेवल पे है। डीएलएफ के साथ का इसका जो शेयर है वो चल रहा है, तो शेयर भी मतलब 400 के आसपास शुरू होता है, इस वक्त मेरे ख्याल से 1100 के आसपास शेयर है, वहाँ शेयर मार्केट में भी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो ये रिस्क नहीं लेगा सिग्नेचर ग्लोबल। और आगे भी इसके बहुत सारे लैंड पार्सल हैं, मतलब गुड़गांव में आगे आने वाले सालों में बहुत लैंड पार्सल है सिग्नेचर ग्लोबल के पास, तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान रखेगा। वेटलैंड है लेकिन कंस्ट्रक्शन सिग्नेचर ग्लोबल उसी हिसाब से करेगा कि वेटलैंड की वजह से क्रैक्स ना आए, प्रॉब्लम ना आए, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माइवन कंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है हाई राइज में, तो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज़ का ख्याल रखेगा। ठीक है, अब बेसिकली ये सब बातें हो गई, अब पेमेंट प्लान, प्राइजिंग, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बताया था तीसरी USP इसकी जो है वो यही है कि इसकी प्राइजिंग, तो अभी जब तक ये प्री लॉन्च में है वो आप मान के चलिए कि 13,000 की प्राइसिंग पे बात हो रही है, लेकिन वो 13,000 की प्राइसिंग कितने दिन तक रहेगी वो मैं कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी क्या है कि चेक्स आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे कई व्यूअर्स ने लिया है, मेरे उन व्यूअर्स ने यहाँ पे लिया है हमसे और हमसे लड़ के लिया है कि भाई नहीं हमें तो ये लेना है, अब आप हमें दिलवाइए ये, तो वो इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है कि चेक्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, अब 13,000 के प्राइस पर कितने दिन चीज़ मिलेगी वो नहीं पता है, लेकिन वो प्राइस जब लॉन्च होगा वो 14,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, और आइकॉनिक टावर जो इनका आ रहा है वो बाद में लॉन्च होगा, वो समवेयर अराउंड एक्सपेक्टेड है कि 18-20,000 रुपये होगा, है ना। तो अगर आपको ये प्राइसिंग लेनी है तो मैं आपको इसलिए कमिट कर सकता हूँ, भाई देखिए मैं थोड़ा सा कंसोलिडेटेड काम करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था क्रिसुमी में हम लोगों ने काम करा था, क्रिसुमी में हम लोग भी नए थे उस टाइम पे, क्रिसुमी में भी कोई कनेक्ट नहीं था, तो हम लोग का एक चेक वापस हो गया था कि भाई आपका चेक नहीं लग पाया, मुझे उस दिन से बड़ा बुरा लगा था कि मेरा एक व्यूअर का चेक लगा, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और चेक वापस हो गया। तो अब मैं तभी काम करता हूं जब अंदर मेरी पकड़ मजबूत होती है, तो सिग्नेचर ग्लोबल में पकड़ मजबूत है भाई, आप परेशान मत होइएगा, आपने अगर चेक दिया है तो आपका अलॉटमेंट होगा, जिस प्राइस पे हमने कमिट करा है वो प्राइस आपको दिलवाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि कनेक्ट अंदर स्ट्रांग है और ऐसे लोग सिग्नेचर ग्लोबल में मेरे जान पहचान के हैं जो मुझे 8-10 साल से जानते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आप टेंशन फ्री होगा। अगर लेना है आपको तो हम जो चीज़ लेनी है आपको, जिस प्राइस में चीज़ लेनी है वो हम दिलवाएंगे आपको, ये मेरा कमिटमेंट है सिग्नेचर ग्लोबल 37D के हाई राइज प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब 13,000 का प्राइस आ गया, साइजेस अब 13,000 से आप मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा ना, तो साइजेस वही वाली बात है कि 2.5 BHK भी इसमें कुछ यूनिट्स रहेंगी, 1800 स्क्वायर फीट के आसपास होंगी, लेकिन बहुत कम यूनिट्स रहेंगी, 20-25 यूनिट्स रहेंगी, वो हो सकता है कि उसके चेक पहले से बहुत सारे आ भी चुके हों, लेकिन फिर भी बात कर लेंगे, हमने बताया ना कि थोड़ा सा करेंगे आपके लिए। और उसके बाद फिर 3.5 BHK आएगा, मतलब 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2100 से 2300 स्क्वायर फीट का एक आएगा, और फिर आएगा 2600 स्क्वायर फीट के आसपास का 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस कॉफी लाउंज टाइप का होगा, उसमें कुछ एक लाउंज होगा वो वाला साइज रहेगा। उसके बाद फिर 2800 स्क्वायर फीट से 3200 स्क्वायर फीट के इनके 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर रहेंगे, और कुछ इसमें पेंट हाउसेज भी रहेंगे, तो पेंट हाउसेज लगभग 3800 स्क्वायर फीट के होंगे, 24-25 वो भी पेंट हाउसेज रहेंगे। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग ये जो 2100 से 2300 वाला जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये 3 BHK प्लस सर्वेंट का बहुत ऑप्टिमम साइज़ है। यही साइज़ लॉन्च कर रहा है SS90, SS का नया लॉन्च आ रहा है 90 में, वो भी लगभग 2300 स्क्वायर फीट की चीज़ लॉन्च कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है 12,000 रुपये में। तो कई लोगों को भाई न्यू गुड़गांव के भाई, मैं एक्चुअली ये खास बात इस सेक्टर की है, सिग्नेचर ग्लोबल की खास बात ये है कि बीइंग ऑन नॉर्के एक्सप्रेस वे, बीइंग जस्ट 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, 13,000 पे चीज़ मिल पा रही है अगर आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि न्यू गुड़गांव में ही नए लॉन्चेस 12,000 में हो रहे हैं, लेकिन ये 13,000 बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ये 15,000 तक चला जाएगा, उससे आगे भी जा सकता है जब लॉन्च होगा इसका। ठीक है, पेमेंट प्लान इसका जो रहेगा, पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहेगा, आप मान के चलिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको 25% देना होगा, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन लिंक चलता रहेगा, शुरू में 10% है, फिर कुछ 2 महीने बाद फिर 10% है, ऐसे करके मतलब 3 महीने में आप मान के चलिए कि 25% आपको देना होगा। और तो अब कंक्लूड करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने समझ ली, अब आपको करना यह है कि जितनी जल्दी हो सके इस नंबर पर हमें कॉल करना है, जितनी जल्दी हो सके, मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तुरंत इस नंबर पर कॉल करिए, या हैशटैग हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिए #37D, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो बात हम लोग को ये करनी है, हम लोग कोशिश ये है कि भाई 13,000 के प्राइस पे आपको चीज़ दिलवा पाएँ, और जितनी जल्दी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए हमने तो बोल दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी कॉल करेंगे, जितनी जल्दी इनैक्ट करेंगे, जितनी जल्दी चेक के ऊपर बात होगी तो आपको उस प्राइस मिल जाएगा, नहीं अगर आपने थोड़ा डिले करा तो फिर 14,000 के ऊपर बात होगी या 15,000 के ऊपर बात होगी, वैसा है। तो आपको अब कंक्लूड करते हुए ये बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो
क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? मुझे तो एक वेटलैंड वाली चीज़ के अलावा सारी चीज़ें इसमें सही लग रही हैं, और वेटलैंड भी मैंने बता दिया कि वो कैसे कवर करेंगे उसको, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे है 13,000 का प्राइस है, जबकि एवरेज रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे 18,000 चल रहा है। M3M का भी नया लॉन्च, SCDA का भी अभी एक इवेंट हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो लॉन्च करा है वो 19,900 पे लॉन्च करा है, और वो भी लेकिन 72 घंटे के लिए है खाली, वो फिर 20,900 हो जाएगा। उसके बाद फिर 31 जनवरी के बाद वो 21,900 हो जाएगा, यानी कि 22,000। तो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे पे 22,000 पे चीज़ें मिल रही हैं। स्मार्ट वर्ल्ड का अगला लॉन्च भी जो प्री लॉन्च में अभी 18,000 पे चीज़ मिल रही है, लॉन्च पे जो होगी वो 22,000 पे चीज़ मिलेगी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको 13,000 में अगर चीज़ मिल रही है, मैं कह रहा हूँ 13,000 से 15,000 के बीच में भी चीज़ मिल रही है, तब भी वर्थ है। लोकेशन अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लैंड पार्सल अच्छा है इनका, और सिग्नेचर ग्लोबल है, IPO आ चुका है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो बस आपको बिना टाइम वेस्ट करे आपको इस नंबर पर कॉल करना है, या हैशटैग हमें व्हाट्सएप लिख दिए 370, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो बस अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।